तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की रैंक पुशिंग, कमेंट करके ज़रूर बताना। और कितना रैंक पे हो और डेली का कितना प्लस निकाल रहे हो भाई। इस टॉपिक में बात करो तो याद आता है भाई आप लोगों का कमेंट। भाई बंदे भाई इतना खतरनाक लेवल का पुश कर रहा है भाई, क्या ही बोलूँ। बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जब भाई देख रहा था कि भाई 250-300 प्लस निकाल रहे हैं पार डे, मतलब समझ रहे हो ना। तो कोई नहीं, निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल देखो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि देखो कितने पॉइंट पे कॉन्करर मिलेगा, क्योंकि देखो सीजन स्टार्ट ही हुआ है और अब लोगों ने बहुत सारा कॉमेंट वगैरह कर रहे थे भाई कितना पॉइंट पर कॉन्करर मिलेगा वो बताएंगे। उससे पहले देखो यहाँ पर फाइट, तो फिलहाल मैं यहाँ पे फिनिश हो जाता हूँ भाई, उजी से किल कर देते हैं जो भी सिंधा। देखो जो मैं बताने वाला था कि कितने पॉइंट पे कॉन्करर मिलने वाला है, तो देखो अभी अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है, आज है ना सीज़न का तीसरा दिन है। तो मेरा जो रैंक है ना भाई, अभी मैं डायमंड 3 पे पहुंच चुका हूँ, कुछ पॉइंट चाहिए और मैं डायमंड 2 में पहुंच जाऊंगा। इस मैच मतलब इस गेम प्ले जो है ना वीडियो वगैरह बनाने के बाद मैं कर लूँगा। तो देखो जो मैं बता रहा था कि भाई कितने पॉइंट पर प्लस मिले मतलब कॉन्करर मिलेगा, देखो अभी के टाइम पर जो रैंक चल रहा है ना भाई, एस पे ही आपको कॉन्करर मिल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको एस लगाना ही पड़ेगा, बिना एस लगाए ना कॉन्करर नहीं होगा, ये बात याद रखना। और ज़्यादा मतलब टेंशन मत लो, क्योंकि देखो बहुत बंद देख रहा था भाई, जिस हिसाब से कमेंट वगैरह आ रहा था ना आप लोगों का, भाई मैं तो सोच रहा था भाई आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत में पड़ जाओगे, ऐसा वैसा सीन है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई कितना पॉइंट पे कॉन्करर मिलेगा। भाई हर एक बंदा मतलब हर एक भाई लोग कॉमेंट कर रहा था, तो कोई इतना कुछ भी नहीं है। अभी आज का दिन है ना और कल का दिन मान लो कि ये दोनों दिन में ना अब एस लगा लो या और एक दिन एक्स्ट्रा लगा लो, मतलब एस लगाओगे ना तो ही आपको 3 से 4 दिन के अंदर एस लगा लोगे तो आराम से कॉन्करर मिल जाएगा, या उसके बाद जितने भी ना 10-15-20 का के पॉइंट बढ़ेगा डेली का डेली। और मैं पॉइंट बताता रहूँगा, अभी के टाइम पे जो रैंक चल रहा है ना, इस जो वीडियो देख रहे हो तब के टाइम पे आपको भाई एस लगा लेना है, एस लगाओगे तो कॉन्करर मिलेगा। एस भाई कम से कम 4 दिन तक तो रहने वाला है, एस लगाओगे 4 दिन के अंदर तो कॉन्करर मिल जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रैंक नहीं बढ़ा, क्योंकि बढ़ जाता है पहले के सीजन मतलब जब जो 6 आवर का लिमिट वगैरह नहीं आया था ना, तब के टाइम पर क्या होता था, सब जो जितने भी भाई लोग हैं ना भाई दिन का मतलब एक दिन में एस लगा लेते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में एस लगा लेते, तो सबके टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉइंट बढ़ जाता था। अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है भाई, 6 घंटे मतलब 6 घंटे ही खेल पाओगे, इसलिए आपको 6 घंटे के हिसाब से ही आपको रैंक पुश करना रहता है। तो इसीलिए इतना ज़्यादा टेंशन मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एस लगाओ सबसे पहले, उसके बाद कितना पॉइंट वगैरह करना है मैं सब कुछ बताऊंगा। तो फिलहाल देखो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, मतलब होल्ड वगैरह कर रहा था, और तभी एक बंदे का फुटप्रिंट आता है जो मेरे पे रश करने वाला है। तो देखो भाई साहब ये बंदे ने तो भाई खतरनाक लेवल का डैमेज मेरे को दे दिया था भाई, लकीली 1 HP बच गया हूँ, नहीं तो यहाँ पे मेरा गेम फिनिश था, अच्छा खासा माइनस वगैरह भी लग सकता था, या पोटेशन था शायद तो पोटेशन यूज़ हो जाता था। और मेन चीज़ ये देखो सर्वाइव कैसे करोगे अभी के टाइम पर, देखो हैकर भाई खतरनाक लेवल का आ रहा है। बस एक काम कर सकते हो, जो मैं पहले स्ट्रेटजी आप लोगों को बता दिया है कि भाई जो इवेंट वाला जो क्या है ना विलेज टाइप का है ना, उधर जाके उतरो भाई, कहीं पे भी उतरो, पहले वाले पे या दूसरे वाले पे कहीं पे भी उतरो, क्योंकि हर एक जगह ना काफ़ी ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, मेरे जो डिवाइस है ना हैंडल नहीं कर पा रहे, ज़्यादातर मैं तो गेम में मर ही रहा हूँ और बाई चांस एक दो गेम जो है ना उधर मैं 3-4 किल निकाल पा रहा हूँ इतना ही।
तो आप लोग वहाँ पे सर्वाइव कर लोगे ना तो अच्छा खासा प्लस मिलेगा। और उसके उधर से सर्वाइव करने के बाद ना अब कहीं दूर चले जाओ, जोन के बाहर चले जाओ, जोन के बाहर सर्वाइव करो और आराम से जब थर्ड या फोर्थ जोन बनने वाला रहता है ना, मतलब उसके बाद ही जोन के अंडर एंट्री लो। ये वीडियो पूरा देख लो तो ही आपको पता चल जाएगा भाई कैसे पुश करता हूँ और मैं कैसे हर एक मैच में प्लस निकालता हूँ। अभी के टाइम पर देखो दो तीन मैच ही मेरा बेकार गया पर माइनस नहीं लगा, प्रोटेक्शन था ना। और ये जो प्रोटेक्शन है भाई मतलब जानबूझ के यूज़ मत करो, क्योंकि अभी के टाइम पर मतलब जल्दी जल्दी यूज़ कर दोगे ना तो बाद में दिक्कत होगा। कि अभी देखो अच्छा खासा सेफ खेल पा रहे हो ना तो सेफ खेलो, हर एक मैच पे प्लस निकालने की कोशिश करो। और एक चीज़ देखो, जो भी बंदा जो प्रोटेक्शन है ना, मतलब दो प्रोटेक्शन तो रोज़ ही मिल रहा है तो उसको यूज़ मत करो। लास्ट में कोई बाई चांस कुछ ऐसा मतलब हैकर वगैरह आ जाए ना तो ही आपको वो यूज़ हो जाएगा ऑटोमेटिक, और पे माइनस से भी बच सकते हो। तो यही जो टिप्स एंड ट्रिक है जो यूज़ करो, इस टाइप से सर्वाइव करोगे ना तो अच्छा खासा प्लस आपको देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो एक बंदा जो है ना जो क्रेट वगैरह कलेक्ट कर रहा था, जिस भाई को इजी किल कर देते साइड से आके, और मेरे को भी ड्रैगन बॉल जो भी है ना ये कलेक्ट करना रहता था, मतलब कलेक्ट कर रहा था मैं, क्योंकि मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ जो पावर वगैरह, मतलब ड्रैगन बुलाना वगैरह रहता है बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। फिलहाल इसमें मैं यूज़ किया था क्योंकि मेरे पास 7 बॉल जो है ना वो हो गया था, तो उधर से आके ना मैं यहाँ पे ड्रैगन जो है ना वो बुला लेता हूँ और उस मांग लेता, वो जो स्ट्रेंथ की करके कुछ है ना पावर वगैरह, जिससे थोड़ा 200 बूस्ट हो जाता है उस टाइप का, जो भी इवेंट वगैरह मतलब जो पावर वगैरह है ना वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जिससे शायद कुछ मतलब काम तो मेरा आया नहीं, मतलब सही तो इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ। और भाई ओपन एरिया है मैं यूज़ करना थोड़ा मुश्किल रहता है, पर मैंने देखा ना बहुत सारे यूट्यूबर है कि बहुत ख़तरनाक लेवल का जो है ना ये वाला जो पावर वगैरह है ना यूज़ कर रहा है, पर मैं इतना कुछ खास नहीं कर रहा हूँ। अब लोग कर रहे हो कि इस पावर का यूज़ बताना ज़रूर। तो अब फिलहाल देखो उधर से पावर वगैरह लेके ना मैं यहाँ पे सीधा चले जाता हूँ जोन के अंदर, क्योंकि जोन के अंदर एमडी को एंट्री भी लेना है। और यहाँ पे देख सकते हो 29 बंदे अलाइव है, बाई चांस मतलब क्या बोलूँ, लकीली यहाँ पे कोई शायद हैकर वगैरह नहीं था मेरे को लग रहा था, क्योंकि किल फीड में उतना कुछ नाम नहीं आया। कि देखो किल फीड भी थोड़ा सा नोटिस किया करो, देखो हर एक मैच में हैकर आ रहा है, बाई चांस एक दो मैच ऐसा जा रहा है जिसमें हैकर नहीं है, क्योंकि अब किल फीड नोटिस करोगे एक बंदे का 4-5 बार बैक टू बैक नाम आ रहा है ना भाई, समझ जाओ बंदा गड़बड़ है, तो उसी हिसाब से खेलो। तब के टाइम पे भाई इस जोन में एंट्री नहीं लेना, इसके नेक्स्ट जोन में जो बनता है ना तब जोन के अंदर एंट्री लो। शायद तब के टाइम पे 19 मतलब 12-13 बंदे अलाइव रहते हैं और हैकर रहेगा ना तो शायद टॉप 10 भी कर सकते हो, क्योंकि हैकर बहुत ज़्यादा बंदा किल कर देगा, 20-25-30 अकेला ही तो मतलब फिनिश कर देता है, ऐसा सीन है। तो फिलहाल देखो यहाँ पे मैं जो भी सीन है हैकर वगैरह आएगा ना मैच में ऐसा कुछ मेरा होगा तो आपके साथ वो वाला वीडियो शेयर करके मैं टिप्स एंड ट्रिक समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी कुछ भी दिक्कत आ रहा है ना तो कमेंट कर सकते हो मेरे को, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, दिक्कत नहीं है बिल्कुल। और फिलहाल देखो मैं यहाँ पे जोन के अंदर एंट्री ले लेता हूँ और पूरा एकदम सेफ जोन में आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था कोई चीज़ मतलब गड़बड़ वाला बंदा यहाँ पे नहीं था। और मैं भी आया था तभी एक बंदा आता है सामने से, इस कुब वाले बंदे का ना सच में किस्मत खराब था, क्योंकि उधर से शायद डैमेज वगैरह खा के आया था, इधर भी मैं थोड़ा सा डैमेज दे देता और शॉटगन से इजी किल कर देते तो यहाँ पे देखो मेरा टोटल जो किल है ना 7 किल हो गया था, बहुत इजीली खेला है, कोई दिक्कत नहीं लिया। हर एक किल मैंने आप लोगों को दिखाया कैसे कैसे मैंने किल किया, ऐसे ही बिल्कुल रिक्स मतलब बहुत बंदे को देखा कि भाई 20-25 किल के पीछे भागते, अभी के टाइम पर मत भागो, जितना हो सके मैंने बोला कि भाई एस के बाद बोलो सॉरी डायमंड तक जितना हो सके उतना किल निकालो और उसके बाद आराम से खेलो, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल देखो उधर से होल्ड करके ना मतलब पूरा जोन ही मैं होल्ड करता हूँ, कुछ मतलब बंदे वगैरह नहीं आता, फाइट वगैरह भी नहीं होता, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जोन था तभी पीछे से मेरे को पड़ता है, मतलब थोड़ा सा डैमेज दे देता बंदा, फिर मैं कवर में आके ना यहाँ पे होल्ड करने लगता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा जोन था मतलब समझ ना एकदम जोन के एज में था, और जोन जब क्लोज इन होता है ना तब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जोन के अंदर था तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, जोन जब क्लोज इन हो जाता है ना तो यहाँ पे होल्ड करता हूँ, तभी मेरे को राइट साइड से एक बंदे का जोन में जाने का स्पॉट होता है, मतलब जोन में जा रहा था। इस भाई को भी इजी किल कर देते हैं शायद बीच में रुक के ना, मतलब हीलिंग वगैरह कर रहा था, जोन काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है। इस जोन में ही जोन के अंदर एंट्री लो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस जोन में ना जोन के बाहर रहने की बिल्कुल कोशिश मत करो, बाई चांस फाइट वगैरह हो जाए ना फिर भी इग्नोर करके चलो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करता हूँ और जब जोन क्लोज इन होने लगता है ना 6-7 सेकंड बाकी रहता है, मतलब जोन स्टार्ट ही हो गया था, तभी मैं निकलता हूँ जोन के अंदर। और यहाँ पे जोन के अंदर जाने के बाद ना क्या सीन होता है अब देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे आता हूँ और मेरे को जोन के अंदर एक क्या बोलते हैं ये डिप टाइप का मिल गया था, तो मैं सोचता हूँ इधर थोड़ा सा होल्ड करते, और तभी देखो साइड से एक बंदे का फुटप्रिंट भी आएगा।
इस भाई को किल करने के बाद ना मेरा जो हीलिंग है ना भाई 5 HP बच गया था, मतलब 5 HP था, और तभी और एक बंदा मेरे पे रश करता है। और भाई यहाँ पे क्या ही बोलूँ, मतलब ये थोड़ा सा भी हीलिंग रहता ना तो शायद फाइट वगैरह ले सकता था, पर उसका एक एमके का गोली लगता है भाई, मैं फिनिश हो जाता हूँ। फिर भी मेरे को 35 का प्लस मिला है, डायमंड 4 पे हूँ और मैं अभी डायमंड 3 पे पहुँच चुका हूँ। आपका रैंक और टायर कमेंट करके बता देना ज़रूर। और फिलहाल देखो यहाँ पे इस मैच के बाद ना मेरा जो रैंक वगैरह है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के थ्रू कुछ भी मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन या कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक अच्छा लगे ना तो ज़रूर एक लाइक कर देना इस वीडियो को, और कुछ भी डाउट है ना मैं हमेशा बोलता हूँ कॉमेंट करो, मैं हर एक कॉमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ। देख सकते हो हर एक कॉमेंट के पीछे मेरा रिप्लाई रहता है या मैं हार्ट दे देता हूँ, जिस कमेंट का रिप्लाई करना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा भी ज़रूरी होता है ना मैं कर देता हूँ हर एक कमेंट का। तो बस यही था, और इस मैच के बाद ना मेरा जो रैंक है भाई 2000 के आसपास चला गया था। तो बस यही था आज के वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल पर नया आए ना तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।